मनुष्य को अपने जीवन में अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे क्या करना चाहिए और इसका क्या उपाय है। देवीय सज्जनों, राम राम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अगर मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहें और मनुष्य को अपने जीवन में लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है तो आइए जानते हैं। मनुष्य का जन्म और पुनर्जन्म दोनों ही उसके कर्म और कर्म फल पर आधारित हैं। जन्म से मृत्यु तक जब तक यह शरीर है, जीवन है, तब तक कुछ न कुछ शारीरिक या मानसिक कर्म वह करता ही रहता है। कर्म किए बिना तो एक क्षण भर को भी रह पाना असंभव है। मनुष्य जीवन तो कर्म करने के लिए ही मिला है। यह बात अलग है कि वह कर्म सत्कर्म हो या कुकर्म। विज्ञान का यह सिद्धांत सर्वविदित है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कार्य का एक परिणाम होता है, उसी प्रकार हर कर्म का कर्म फल भी होता है। सारा संसार निश्चित नियम व सिद्धांतों पर चल रहा है। परमेश्वर के इस जगत में अराजकता नहीं वर्ण न्याय और अनुशासन का ही साम्राज्य है। उसने मनुष्य को इस संसार में लोक हित के कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने का आदेश दिया है, परंतु वह लोक हित को भूलकर अपने स्वार्थ व अहंकार पूर्ति की दिशा में अपने कर्मों को नियोजित कर देता है और तदनुसार इस विकार ग्रस्त पाप कर्म का फल भोगते हुए दारुण दुख प्राप्त करता है। मन में यह विचार उठ सकता है कि हम फिर किस प्रकार के कर्म करें, संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है, हम संसार का भला आखिर करें ही क्यों। मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करे इसका एक ही उपाय है और वह है सदाचरण। हम धर्म पर चलते हुए 100 वर्ष तक जीने की कामना करें। वास्तव में बात यह है कि ऊपर से तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं। दूसरों की भलाई में हमारी भी भलाई है, संसार की उन्नति में हमारी भी उन्नति है। प्रत्येक कर्म करते समय हमारा यही सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा सर्वोत्तम प्रेरणा शक्ति के रूप में हमारे मानस पटल पर छाई रहेगी। इस प्रकार किए गए कर्म स्वार्थ रहित होने से निष्काम कर्म कहलाते हैं और उनकी सफलता अथवा असफलता मनुष्य को न तो अहंकारी बनाती है और न ही दुख देती है, अपितु वह यही समझता है कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ। वह पुनः दुगने मनोयोग से कर्म करता है, इस प्रकार वह कर्म मनुष्य से लिप्त नहीं होता और न मनुष्य में कर्म के प्रति आसक्ति होती है। वह केवल अपना कर्तव्य समझकर ही पुरुषार्थ करता है। जब अपना कोई स्वार्थ नहीं होता तो आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना बलवती होती है। सबके लाभ में ही अपना भी लाभ दिखाई देता है। संसार में जो भी सुख सुविधाएं उपलब्ध हों, उनका स्वयं ही उपभोग करने के स्थान पर आपस में बांटकर खाने में ही आनंद आता है। जगत को इसी प्रकार त्याग पूर्वक भोगने से अपने समस्त कर्मों को ईश्वरीय कार्य में नियोजित करते रहने से वह कर्म कभी भी बंधन कारक नहीं होंगे।
ऐसे निष्काम कर्म करने वाले ही संसार में श्रेष्ठ नर रतन होते हैं। अतः मनुष्य को सदैव अनासक्त भाव से त्याग पूर्वक सत्कर्मों में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।